আজকে সৎকার মূর্তি আদরণীয় দীপক ভট্ট ঠাকুরজি, কার্যক্রমকে অধ্যক্ষ শ্রীমান সজ্জন কুমার গর্গজি, সম্মাননীয় অতিথি আদরণীয় প্রকাশ সিংজি, শ্রীমান সুনীল দেবধরজি, শ্রীমান কেজি সুরেশজি, উপস্থিত নাগরিক সজ্জন, মাতা ভগিনী, दीपक दा का इस प्रकार अभिनंदन करने का ये मेरे लिए दूसरा प्रसंग है। सहकार भारती सारे देश की सहकारी संस्थाओं को जोड़कर चलाने वाली एक संस्था है। उसका अखिल भारतीय अधिवेशन बंगलोर में था पिछले ही वर्ष, और उस समय देश में चलने वाली सहकारी संस्थाओं में से जो उत्तम है उसको एक पुरस्कार देना था। तो दीपक दा के नेतृत्व में चलने वाली वहाँ की जो सहकारी समन्वय सहकारी बैंक है, उस काम को देखकर वो पुरस्कार दीपक दा को मिला था। जो उत्तर पूर्व की परिस्थिति आपके सामने वर्णित हुई है, उसमें सहकारिता के आधार पर वहां कोई काम चलाना और उसको यशस्वी बनाकर दिखाना, अनेक सहकारी बैंक देश में चलते हैं, हम सब उनको देख रहे हैं, ऐसे अवस्था में आसाम में ऐसा एक बैंक खड़ा करना मूल से, जब कोई आधार नहीं है, दूसरा कैपिटल सहित सारी बातें नदारद है, ऐसी अवस्था में उसको खड़ा करके दिखाना, ये उनका कर्तृत्व तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उनके मन में अपने देश के प्रति और विशेषकर उत्तर पूर्वांचल के प्रति, क्योंकि वो वहाँ के निवासी है, जो प्रेम है उसकी उत्कटता को बताता है। दीपक दा का नाम लेते हुए मेरे मन में एक कहानी आती है कि एक बार सूर्य के मन में भी आया कि 7 दिन कैजुअल लीव पर जाए, सब लोग जाते हैं, मैं अभी तक गया नहीं, आराम करने की इच्छा है। तो ऐसा हुआ तो उन्होंने सारा अपना दरबार बुलाया, प्रकाश देने वाली सब वस्तुएं और ग्रह तारे नक्षत्र सब उपस्थित थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि 7 दिन मैं जाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा, चार्ज कौन लेगा। तो सूर्य का चार्ज कौन ले सकता है, सूर्य सबको प्रकाश देता है। चंद्रमा ने कहा कि मैं रात को प्रकाशित होता हूँ, ये बात सही है, लेकिन वो तो आपके कारण ही होता हूँ, आप छुट्टी पर चले जाएंगे तो 7 दिन अमावस्या रहेगी, तो मैं आपका काम कैसे ले सकता हूँ। सब ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस समय एक छोटा सा दीपक, उसने उठकर कहा कि मैं आपका चार्ज ले सकता हूँ कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं इतना वचन आपको देता हूँ कि जब तक मेरी तेल और बाती साबुत है तब तक मैं प्रकाश देने का अपना काम करते रहूंगा। इसलिए दीपक दा का सम्मान करके हम सम्मानित हो रहे, दीपक दा का जो सारा जीवन है वो सम्माननीय है, ये बात तो सही है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जितना सम्माननीय है उतना अनुकरणीय भी है। हम सबको ऐसे दीपक बनने की आज देश की परिस्थिति में आवश्यकता है। अंधकार को छाटना है तो अंधकार की चर्चा करके अंधकार पर लाठी बजाने से नहीं होगा, प्रकाश देना पड़ेगा। और गड़बड़ यही होती है कि जब प्रकाश देने की बात आती है तो लोग कहते कि कोई प्रकाश दे, कोई नेता प्रकाश दे, कोई पार्टी प्रकाश दे, कोई अवतार प्रकाश दे, कोई सरकार प्रकाश दे। प्रकाश की जिसको आवश्यकता है उसको प्रकाशित होना पड़ेगा तो प्रकाश मिलेगा। हम सब लोग महापुरुष नहीं बन सकते, दीपक दा को हम महापुरुष नहीं कह सकते, वो हम में से है, हमारे जैसे है, लेकिन अंदर की ज्योति लेकर वो जीवन भर अपनों के लिए सतत जलते रहे हैं प्रकाश देने के लिए। इस प्रकार के जीवन की आवश्यकता देश में सर्वत्र है।
उत्तर पूर्वांचल के लिए भी सारे देश में ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है। उत्तर पूर्वांचल में प्रत्यक्ष काम किए हुए लोगों ने बातें रखी है, मुझे उससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। उत्तर पूर्वांचल का प्रत्यक्ष अनुभव लिए हुए लोगों ने उत्तर पूर्वांचल की वेदना कहा है वो आपको बताया है, उसमें हमारा कर्तव्य क्या है ये भी बताया है। दो शब्द उनके भाषण में प्रमुख रूप से आए, एक हिंदी, दूसरा उसका प्रतिशब्द अंग्रेजी। हिंदी में आया उपेक्षा, अंग्रेजी में आया निग्लेक्ट। आज हमको अपने देश में जो जो समस्याएं दिखाई देती है उसका अगर एक शब्द में निदान करना है तो यही हिंदी शब्द अथवा यही अंग्रेजी शब्द कहना पड़ेगा। हम लोग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, हम लोग अपने दायित्वों की उपेक्षा करते हैं, हम लोग अपनों की उपेक्षा करते हैं। हजारों वर्षों से इस उपेक्षा में फंसे हुए होने के कारण हमारा देश, जो कभी दुनिया का सिरमौर देश था और ऐसा दुनिया का सिरमौर देश खड़ा करने की क्षमता समाज के सब व्यक्तियों में आज भी विद्यमान है, इसके लाखों सबूत दुनिया भर में मिलते हैं। ऐसे लोगों का देश आज समस्याओं के चक्र में उस उपेक्षा के कारण फंसा है। मेंटल ब्लॉक क्यों आता है? उसी के कारण आता है। और इसलिए उस उपेक्षा को दूर करना चाहिए, समझना चाहिए, परिचय होना चाहिए। परिचय न हो तो फिर लड़ाई होती है, परिचय होने से भी लड़ाई हो सकती है। असल लड़ाई होना या न होना, दोनों के लिए परिचय की आवश्यकता तो रहती है। अपरिचित व्यक्ति से अपनी कोई लड़ाई होती नहीं, परंतु परिचय किस प्रकार का होता है उस पर निर्भर है। ट्रेन में गर्मी के दिन भीड़ लगी ही रहती है, शादी ब्याह का मौसम रहता है, सब लोग प्रवास करते हैं, और जिसको अंदर जगह मिल जाती वो अंदर का बन जाता है और बाहर वालों को रोकता है। जैसे तैसे बाहर वाला घुस जाए, वो अंदर घुस गया कि वो भी अंदर वाला बन जाता है। यह हमारा नित्य अनुभव है व्यावहारिक। ऐसे ही एक बार ठेला ठेली करके, थोड़ा सा झगड़ा करके एक आदमी अंदर घुस गया। मुंडन किया था, पूर्व इलाहाबाद के स्टेशन पे चढ़ा था, अस्थि विसर्जन करके आया होगा। अंदर गया, ठसाठस भीड़ भरी है, खड़े रहने को भी मुश्किल सी जगह है। थक गया था सारा करके गर्मी के दिनों में, तो एक बेंच के पास खड़ा था, तो उसने पास वाले बैठे हुए व्यक्ति को कहा कि थोड़ा जरा उधर हो लीजिए तो मैं भी थोड़ा बैठ लेता हूँ। अब वो भी अंदर की गर्मी से, उसका भी दिमाग ऐसा ऊब गया था कि वो एकदम उबल पड़ा कि इतने बड़े लाट साहब और बैठने की जगह चाहिए तो रिजर्वेशन क्यों नहीं किया, फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं गया वगैरह, वो सारा कहना उसने शुरू किया। अब ये भी चिढ़ा था तो उसने भी उस पर प्रतिशब्द, और फिर ऐसी हो गई कि एक दूसरे का गला पकड़ लिया, तो लोग बीच में पड़े, अरे भाई सबको जाना है, कुछ घंटे तो रहना है, काहे को झगड़ा करते, फिर कहाँ मिलना है। तो हो गया, फिर ट्रेन भी चल पड़ी। ट्रेन चलने के बाद सारे झगड़े समाप्त हो जाते, वैसा वो भी समाप्त हो गया। फिर खड़ा तो था, लेकिन अब खड़ा खड़ा क्या करे, तो आजकल वो खैनी वैनी खाने वाले रहते, ये था खैनी खाने वाला, इलाहाबाद से चढ़ा व्यक्ति, उसने अपनी डिब्बी निकाली, तो बैठा हुआ था उसको भी खैनी खाने की आदत थी। और ये एक व्यसन ऐसी चीज है, उसमें कोई संकोच नहीं रहता, परिचय वगैरह का प्रश्न नहीं रहता। तो उसने देखा कि वो अपना तंबाकू मल रहा है अपने तलवे पर, तो उसने कहा कि थोड़ा मेरे लिए भी, तो फिर दोस्ती हो गई। व्यसनेशु भी मित्र बनता है, सुख में बनता है, अच्छे गुणों के कारण मित्र बनते हैं, वैसे समान व्यसन होने के कारण भी मित्र बनते हैं। तो वैसे मित्र बने, फिर पूछा कि आइए आइए बैठिए, थोड़ी सी जगह कर दी, बैठा दिया उसको। जगह थी नहीं लेकिन उसने कर ली। पूछा उसको,
इलाहाबाद से शायद अस्थि विसर्जन करके आ रहे हैं, तो हाँ पिताजी की मृत्यु हो गई। अच्छा कहाँ उतरने वाले हो? उन्होंने कहा सतना में उतरेंगे। अरे सतना, मुझे भी सतना जाना है। आप सतना में कहाँ रहते? तो अमुक मोहल्ले में रहता हूँ। अरे मैं भी वही मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो घर कहाँ है आपका? तो बोले वो जो जाते हैं मेन रोड से तो थोड़ा एक गली है, उसके बाद वो दुकान है, उसके बाद गली है, वहाँ एक आम का पेड़ है, हनुमान जी का मंदिर है उसके साथ। तो बोले तो मेरा घर है। तो उसने कहा आपका कैसा घर है? पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं अस्थि विसर्जन करके आ रहा हूँ, उस घर में रहता हूँ, आप तो कभी मुझे मेरे घर में दिखे नहीं। तो बोले आपका नाम बताओ। तो फिर नाम बताया। अरे उसने कहा कि भाई तुमको पता है तुम्हारा बड़ा भाई खो गया था बचपन में, तब से मिला नहीं, है वही मैं हूँ। अब बड़ा बन गया हूँ, घर वापस जा रहा हूँ, पिताजी को मिलने की इच्छा थी, और तुमने जो समाचार सुनाया, आंखों में आंसू बहने लगे, एक दूसरे के गले पड़ कर रोने लगे। लोग आश्चर्य से देखने लगे, अभी गला पकड़ कर गाली दे रहे थे और गले पड़ रो रहे थे कि परिवर्तन क्या हुआ? तो परिचय हो गया। हम अपनी उपेक्षा के कारण अपनों को भूल गए, ये मूल कारण है। संगम में हम कहते हैं आत्मविस्मृति हो गई। हमारे देश में एक अद्भुत ऐसा रसायन था कि जाति पंथ मत भाषा रीति रिवाज रहन सहन सारे अलग होने के बाद भी हम सब लोग एक परिवार के सदस्य थे, और ये आकांक्षा लेकर चले थे कि सारी दुनिया को एक परिवार बनाएंगे। आज जैसे लोग सारी दुनिया को एक बाजार बनाने के लिए निकले हैं, वैसे हम उस समय एक परिवार दुनिया का बनाने के लिए निकले थे। और आज दुनिया कह रही है कि बाजार नहीं परिवार ही बने तो अच्छा है, और इसलिए भारत को आगे आना होगा उसके लिए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम अपने परिवार को भूल गए, और जब परिचय भूल गए तब फिर जो विविधता है उसको हम भेद मानने लगे, और उसके आधार पर एक दूसरे को पराया मानने लगे, पराये की हम उपेक्षा करने लगे। सारे भारत में इस उपेक्षा के तांडव ने कितने कितने और कुकर्म रचे हैं, कुजाल रचे हैं, हम देख सकते हैं। मूल में यही बात है, निग्लेक्ट। उत्तर पूर्वांचल की समस्या क्या है? समस्या वैसे समस्या कुछ है नहीं, बाहर की समस्या नहीं है, समस्या हमारी अंदर की है। हम नहीं जानते कि उत्तर पूर्वांचल है, लेकिन वो भारत का उत्तर पूर्वांचल है। इसका लाभ लेके वो भी भूल जाए कि हम उत्तर पूर्वांचल है लेकिन भारत के उत्तर पूर्वांचल है। इसका बहुत प्रयास वहां पे चला, 2 शतक प्रयास चला, लेकिन बहादुर है वो लोग कि ये सब प्रयास होने के बाद भी वो ये भूले नहीं कि हम भारत के उत्तर पूर्वांचल है। हमको याद करना है कि वो हमारा उत्तर पूर्वांचल है, वहां रहने वाले लोग हमारे हैं, वो भूमि हमारी है, वो प्रकृति हमारी है, हमारा रिश्ता है, हम एक भारत के राष्ट्र परिवार के घटक हैं, हमारे वो सहोदर भाई है, भारत माता के पुत्र है। मैं रहा तो कभी नहीं, लेकिन घूमा बहुत हूं, घूमने में रहा हूं, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन, कभी 10 दिन, मिला हूं सबसे। मैं जब विदर्भ का मैं प्रांत प्रचारक था, तो अरुणाचल प्रदेश उसकी चिंता करने की दृष्टि से विदर्भ उसका अभिभावक है, तो उस प्रदेश में मेरा बार बार जाना भी हुआ है। पहली बात जो हम अनुभव करते हैं जाते समय, जो हमारी उपेक्षा है, उसके कारण हमको मन ही मन लगते रहता है कहां आके किस विदेश में आ गए, चेहरे अपने जैसे नहीं, रंग अपने जैसा नहीं, खान पान रीति रिवाज सब अलग, लेकिन वहां की भूमि पर कदम रखते हुए और थोड़ी बातचीत अगर वहां से लोगों से होती है तो ध्यान में आता है कि ये अपना ही परिवार है, अपना ही परिवार है। पहली बार मैं अरुणाचल में गया, वहां की जैसी विषम परिस्थिति है, असम कहते हैं ना, वो समय नहीं है, तो जाते समय हमारी ट्रेन 14 घंटा लेट हो गई, इसलिए जो बस मिलनी थी अरुणाचल जाने के लिए वो नहीं मिली,
12 घंटा बाद वाली बस पकड़नी पड़ी। एक दिन हम देर से गांव में पहुंचे जहां पहले जाना था, वहां दिन भर रहना था, वो दिन भर रहना तो संभव नहीं था, आधा एक घंटा रहकर चलना था। तो मैं वहां उतरा, एक नदी है, नदी के पार गांव है, नौका से जाना है। मैंने देखा कि वहां सारा गांव जमा है। मैंने बोला क्या हुआ गांव में? तो बोले गांव में कुछ नहीं हुआ, वो लोग कल सुबह से ऐसे जमे हैं वहां पर, आपके आने का विश्वास है उनको, इसलिए वहीं आकर जमे हैं, बीच बीच में जाकर भोजन पानी करके फिर से आते हैं कि जब आएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं कब आएंगे, जब आएंगे तब स्वागत होना चाहिए। अब न जान न पहचान, लेकिन एक व्यक्ति आ रहा है, अपना बन के आ रहा है, तो उसके स्वागत के लिए इतना अपनापन, बिना हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता हुए कैसे आ सकता है। वहां मैं उतरा और उनको मैंने कहा कि कुछ बोलना पड़ेगा, तो क्या किस भाषा में बोलना, आपकी भाषा तो नहीं आती, अंग्रेजी में बोलूँ क्या? तो कहा नहीं, अंग्रेजी हम हिंदी बहुत अच्छा समझते हैं, सब लोग अपनी राष्ट्रभाषा है, समझते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये भावना जिस प्रदेश में है, उस प्रदेश की उपेक्षा हमारे तरफ से होती है, उनके भविष्य के कुछ निर्णय यहां पर करने हैं तो हम बिना देखे सोचे समझे वहां क्या हो रहा है, जमीन की जानकारी क्या है, बिना सोचे समझे कुछ नीतिगत निर्णय ऐसे कर डालते हैं कि उनको ऐसे देशभक्त होने का दंड ही मिलता है, पुरस्कार मिलना तो दूर रहा। अपने स्वयं के जीवन में जो इन सब लोगों के होने की खबर चाहिए वो दिखती नहीं। पारिवारिक जीवन में कोई पर्व त्योहार है, हम क्या करते हैं, अपने सब परिचितों को अभिनंदन पत्र कम से कम भेजते हैं, कम से कम फोन करके मुबारक करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमको कभी, और वहां भी अपना कोई है उसको भी भेजना चाहिए, उसको भी फोन करना चाहिए, ऐसी याद आती नहीं। और केवल दूर है तब नहीं, इतने सारे छात्र छात्राएं हमारे में हैं, यहां रह रहे, हमारे साथ रह रहे, हम उनकी सुधि नहीं लेते। वास्तव में तो थोड़ी अधिक सुधि लेनी चाहिए, क्योंकि वहां के जलवायु को छोड़कर वो एक दूसरे अपरिचित जलवायु में आए हैं, इस भरोसे से कि देश तो परिचित है, देशवासी तो परिचित है, तो बाकी अपरिचित बातों को हम पाट लेंगे, इस भरोसे से आए हैं। उनको यहाँ के जलवायु का, यहाँ के वातावरण का परिचय नहीं है, तो उनको जरा ज्यादा ध्यान से रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में जब अतिथि आते हैं तब उनको बताते हैं कि थोड़ा संभाल गया, बाथरूम में काई जमी है, थोड़ा फिसलन है, ऐसा बताते हैं, क्योंकि हमारे ही है लेकिन हमारे घर में पहली बार आए हैं। ऐसा ये सब लोग आए हैं तो उनको क्या लग रहा है, उनको कहीं फिसलन का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कुछ आपत्ति उन पर आ रही है, कहीं कुछ संकट है, कहीं कुछ सहायता की आवश्यकता है, कुछ नहीं तो चार मीठे प्यार के शब्दों की आवश्यकता है कि नहीं है, देखने के लिए जाना, पूछना। यहां से प्रारंभ होगी बात, यहां से प्रारंभ होगी बात। ये आवश्यकता का मामला नहीं है, ये आज समय चक्र में वहां की आवश्यकता है, ये बात अलग है। लेकिन ये आवश्यकता नहीं होती तो भी पूरा उत्तर पूर्वांचल अपने पैरों पर खड़ा होता तो भी वो हमारा है, इसलिए हमारे लोगों की हालचाल पूछना ये हमारा सहज स्वाभाविक व्यवहारिक ऐसा कर्तव्य है। उससे प्रारंभ होगी सारी बातें, फिर सारी बातें ठीक। देश के लिए दीपक जैसा जलना है, वहां के उग्रवादियों के तूफान में भी दीपक दा वहां पर अड़िग खड़े रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जहां ऐसी वारदातें होती है, उग्रवाद पनपता है, वहां से उद्यमियों ने छोड़कर चले जाना
ठीक नहीं है, होगा नुकसान, होगा नुकसान हो ही रहा है, सबका हो रहा है, अपने घर का हो रहा है, किसी प्रांत का नहीं हो रहा है, उत्तर पूर्वांचल का केवल नहीं हो रहा है। थोड़ा डटे रहिए, लीजिए थोड़ा खतरा मोल प्राणों का भी। हमारे संघ चालक जी है, एक बार उनका परिचय देना था, तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया परिचय देते समय कि ये वैसे तो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन वो उग्रवाद के समय में ये फिर इधर आ गए और यहाँ पर अब प्रांत संघ चालक। तो उन्होंने फिर कहा, भागवत जी मेरा परिचय आपने गलत दिया। क्यों? तो हम उग्रवाद के समय नहीं आए, उग्रवाद के समय हमने तय किया कि हम वही रहेंगे, मरना पड़े तो वही मरेंगे, लेकिन अगर यहाँ की रोटी हम खाते हैं तो जब अच्छा है तब रहना, और जब जहाज डूबने लगे तब भागना, ये तो चूहों का काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। हम मनुष्य बनकर रहेंगे, यहाँ अपने लोग हैं, यहाँ से हम लेते हैं, अब यहाँ देने की बारी आई है तो हम देंगे, जितना देना पड़ेगा उतना देंगे। हमने तो अपने घर की माता बहनों को भी पिस्तौल चलाना सीखा और हमने कहा कि अपने को यही रहना है, सारी सावधानियां बरत कर चलना है लेकिन छोड़ना नहीं है। हम परिचय भूल गए तो हमारी गति क्या हो गई हमारे समाज की, कि थोड़ा कुछ हो जाता है तो हम भाग जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। अब भागते भागते अब कहाँ जाएंगे? अब जितना अपना देश बचा है उसमें से भी अगर हमको भगाने का प्रयास होगा तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे लिए जाने के लिए दूसरा नहीं है, ये भागना बंद होना चाहिए। और तब होगा जब ये अपनापन का रिश्ता बनेगा, दो तरफा बनेगा। आज जब सारे भारत में घूमता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि इस प्रकार अपनत्व की पहल करने की स्थिति में हम बाकी सब लोग हैं। उत्तर पूर्वांचल हमारे अपनत्व की पहल की प्रतीक्षा कर रहा है, उसमें यह ताकत है कि कहीं हमारे आगे जाके वही वह पहल कर दे, लेकिन ये ठीक नहीं है, अभी हमारी भौतिक स्थिति उनसे अच्छी है। कुल मिलाकर हमारे यहां भी दरिद्री है, हमारे यहाँ भी अज्ञान है, हमारे यहाँ भी उपेक्षित लोग है, लेकिन कुल मिलाकर जो समाज का चित्र है विकास के मामले का, वो वहां से यहाँ अच्छा है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, और इसलिए ठीक है ये कर्तव्य बनता है, और ये किसने नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसकी चिकित्सा करनी है वो लोग करें, जब करना है तब करें, हम भी उसको जाने, लेकिन नहीं हुआ और किसके कारण नहीं हुआ ये पता चलने से लाभ क्या है? जो हुआ नहीं वो करेगा कौन, ये सवाल है। और अगर ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है और ये लोग हमारे हैं, तो कोई करे ना करे हमको करना है। मैं समझता हूं कि माय होम इंडिया ये काम चलने के पीछे यही भावना है कि कोई करे ना करे हम तो करें। हम तो सारी व्यवस्थाओं के नीचे समाज का एक ऐसा धरातल बनाए कि जो किसी प्रकार की दूरी स्वीकार नहीं करता, जो सब प्रकार के अपनत्व को लेकर चलता है, जो इस देश को, इस देश के प्रत्येक देशवासी को, इस देश के सीमांत तक, अंत तक, अंत के गांव में रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति तक अपने अपनत्व का दायरा बढ़ा के चलता है, उस अपनत्व को सदैव अपने संज्ञान में रखकर अपना जीवन जीता है। देश के लिए बलिदान करने का समय जब आता है तब बलिदानी मिलने ही चाहिए, और अपने देश की परंपरा ऐसी है कि आवश्यकता से अधिक बलिदानी इस देश ने समय समय पर उत्पन्न किए है और करता रहेगा। उनके मित्रों, बलिदान करने के अवसर कभी कभी आते हैं, उन दो अवसरों के बीच में जो शांति का समय मिलता है, उस समय देश के लिए बलिदान जिस उत्कटता से हम करते हैं, उस उत्कटता से देश के लिए जीने का चलन समाज में होना चाहिए। अभी वो समय है, दूसरा भी समय है, लेकिन उसको तो हम कर ले जाएंगे।
उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो परिस्थिति सामने चुनौती खड़ी करती है। बताना नहीं पड़ता कि ये बलिदान का समय है, सब लोग देखते हैं कि ये कीमत है, ये चुकानी पड़ेगी, और चुकाते हैं। क्योंकि कितना भी अज्ञानी, उपेक्षित, अशिक्षित रहे, भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि वो भारत का है, उससे भारत है और भारत से वो है। इसलिए बताना नहीं पड़ता, कहां से आता है पता नहीं, एकदम खड़ा हो जाता है ज्वार। परंतु जब परिस्थिति थोड़ी अनुकूल हो जाती है, शांति हो जाती है, फिर सब अपने अपने रोज के व्यवहार में लग जाते हैं, तब इसको स्मरण रखना। ये ध्यान है, आध्यात्मिकता में जिसको ध्यान कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? सब प्रकार के मिथ्या बातों में रहते हुए भी जो सत्य है उसके प्रति सदैव जागृत रहना। हमारा एक राष्ट्र है, हम पूरे राष्ट्र परिवार के हम सब घटक है, प्रत्येक घटक मेरा अपना है, मेरा अपना जीवन उस राष्ट्र परिवार के वर्धन के लिए है, उसका कोई अंग उपेक्षित है, पीड़ित है, तो मैं उसकी पीड़ा और उपेक्षा दूर करना अपना प्रथम कर्तव्य मानकर अपना जीवन जीऊंगा, और आवश्यक है तो उस जीवन को वार दूंगा। इस प्रकार की भावना सदैव मन में जागृत रखकर चलना, इसी से तो राष्ट्र बलवान बनता है। और इसलिए उस सदा की जागृति को सारे देश में लाना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में इस प्रकार की जागृति लाने का काम जो माय होम इंडिया कर रहा है, वो अत्यंत समयोचित और आवश्यक काम है। और एक तरफ से जागृति आ जाती है तो दूसरे तरफ की जागृति भी अपने आप आ जाती है। मैंने एक बार साइकोलॉजी में पढ़ा था कि कॉन्फिडेंस के दो प्रकार होते हैं, स्पेशल कॉन्फिडेंस और रिलेटिव कॉन्फिडेंस। रिलेटिव नहीं, जनरल कॉन्फिडेंस। जनरल कॉन्फिडेंस आदमी में तब आता है जब वो कोई स्पेशल कॉन्फिडेंस लाता है। जैसे मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, निराश बैठ गया हूँ, और अगर साइकिल चलाना मुझे नहीं आता, साइकिल चलाना सीख लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, साइकिल चलाना तो मैंने सीख लिया। इस आधार पर मेरी वो कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं जनरल कॉन्फिडेंस को भी प्राप्त कर लेता हूँ। माय होम इंडिया उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में जो जागृति लाएगी, उस आधार पर संपूर्ण राष्ट्र के प्रति अपने संवेदना जागृत हो जाएगी। इतना बड़ा एक काम है, हम लोगों को इस कार्य के कार्यकर्ता बनना चाहिए। जो भी, और इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं है। अनेक लोग यहाँ कार्यकर्ता भी बैठे हैं विभिन्न दायित्वों पर, लेकिन अलग से कुछ नहीं करना है, दूसरा काम नहीं करना है। बस जहां हम रहते हैं वहां कौन कौन है उत्तर पूर्वांचल के, अपना परिचय हो जाए, बुलाए उनको घर में, बुलाए, वो जा रहे थे वहां जाए, आना जाना हो, पर्व त्योहारों पर आदान प्रदान हो, बातचीत हो। ऐसा अगर चलते रहा क्रम, तो यहां से पढ़कर अपने घर वापस जाएंगे तो वो लोग बताएंगे कि भारत हमारा देश है। अनेक लोगों ने किया है, अब ये 17 छात्र जाकर घरों में रहे, पढ़े, तो जीवन भर के लिए उनको ये बन गया कि हमारी माता यहां भी है। साल में एक बार उत्तर पूर्वांचल के कुछ लोग ऐसे बार बार एक एक बैच बाय बैच प्रति वर्ष सारा भारत घूमकर आते हैं, तो उनको पता चलता है कि हम ही हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे अपने ही हैं, कहीं कुछ दूरी की भावना नहीं। इस भावना के आधार पर जीवन बनेगा, उसके आधार पर सोचने की एक बुद्धि बनेगी, उसके आधार पर यह सारी उपेक्षा समाप्त होगी। कब क्या सोचना चाहिए, कब कौन सी नीति बननी चाहिए, ये सबको ध्यान में आएगा। और ये सारा होने में जो मुख्य बाधा बनती है, राजनीति, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीति नहीं, राजनीतिक स्वार्थ, वो स्वार्थ भी इसी से कम होगा। जब अपनत्व होता है तब कोई स्वार्थ काम नहीं करता, जीवन का मोह भी काम नहीं करता। जो अपने हैं उनके लिए आग में हंसते हंसते कूद जाते हैं लोग। इस संवेदना को, इस स्वभाव को जागृत करने का कोई भी काम अपना काम है,
लगे हाथ अपने घर बैठे चलते फिरते उसमें हम जितना कर सकते उतना करना, यानी एकात्म परम वैभव संपन्न राष्ट्र के निर्माण में हमारा नित्य योगदान है। रोज जलने वाले दीपक के समान इस योगदान को नित्य करते रहने का संकल्प इस कार्यक्रम में से हम लेकर जाए, उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में लोगों को हम जोड़े, आना जाना शुरू रखें, हम बुलाएं, हम जाएं, ये सारी बातें अगर हम करें तो उत्तर पूर्वांचल की समस्या को पाटना ये हमारे समाज के लिए कोई कठिन काम नहीं है। और इसलिए वो सत्संकल्प आप में जागे, आप उस संकल्प को लेकर यहाँ से जाए, इतनी एक शुभकामना आपके सामने रखता हुआ और धन्यवाद करता हुआ मैं अपने चार शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरसंघ चालक जी का आपके आशीर्वचनों के लिए। अब हम कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से करेंगे, आप सबों से अनुरोध। जन गण मन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। विशिष्ट अतिथियों को जाने के लिए रास्ता दे इधर मंच के पास से, और इस कार्य में जो भी जिस भी रूप में योगदान